Be it Maharana Pratap or Kali or any other show, Krip Suri has managed to fascinate the audience all the time. Here we have with us Krip speaking about his character, what makes the role of Ravi special from other roles, his show and a lot more. बहुत सारे किरदार निभाए मैंने, जैसे कि सावित्री में राहुकाल, बहुत ही बड़ा और खुंखार सा नेगेटिव था वो. फिर प्रोफेसर वरदान, very intense and dark professor, motivational, inspirational professor. Then I got a chance अकबर, बहुत ही भारी नाम था. फिर उसके बाद उतरन भी किया, एक कैमियो नेगेटिव था. अब मैं कर रहा हूँ कलश रवि, वो आज का लड़का है. कोई हिस्टोरिकल नहीं, कोई मतलब आज का जो आजकल के लड़के होते हैं, तो इट्स ए लव स्टोरी. सो आई एम डूइंग लव स्टोरी. अभी तो शुरुआत है, बहुत सारे किरदार हैं. मतलब एक्टर की ज़िंदगी में किरदार तो ख़त्म ही नहीं होते, तो हर एक किरदार, अगर मैं एज एन एक्टर बात करूँ तो हमारे लिए चैलेंज होता है, क्योंकि हमें हर किरदार को उतनी शिद्दत के साथ निभाना होता है जितनी शिद्दत के साथ राइटर उस कैरेक्टर को का स्केच बना के उसे प्रेजेंट करता है हमें. तो हमारा भी उतना ही हक बनता है कि हम उसे दिल से निभाएं और अच्छे से निभाएं और लोगों को अच्छा भी लगे. सो आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों को कलश अच्छा लगा और रवि बहुत अच्छा लगा. सो आई एम एन एक्टर, आई एम हेयर टू एंटरटेन. मुझे एंटरटेन करना है और वही करने मैं यहाँ पर आया हूँ. मनोरंजन करना मुझे अच्छा लगता है, लोगों को मनोरंजन करना, लोगों को एंटरटेन करना मुझे अच्छा लगता है और खुशी मिलती है, क्योंकि बचपन से ही वो था कि एक्टर बनना है. और बस तो बाकी रही बात कैरेक्टर्स की, तो जब हम हैं इस काम के लिए यहाँ पर, तो हमें हर काम को शिद्दत से निभाना है, फिर चाहे रवि हो, चाहे मैंने वरदान किया हो या फिर राहुकाल किया हो. सो आज रवि कर रहा हूँ और आज के टाइम में इट्स ओनली अबाउट कलश एंड कलश. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट अ चांस टू वर्क विद बालाजी, बिकॉज बालाजी इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शन हाउस, नंबर वन प्रोडक्शन हाउस इन आई टी वी इंडस्ट्री, नॉट इवन टीवी इंडस्ट्री, ऑल्सो फिल्म इंडस्ट्री. सो मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ और कलश में मेन लीड रोमांटिक हीरो, सो आई एम हैप्पी. बालाजी के साथ काम करने की इच्छा पहले दिन से ही थी, जब से बॉम्बे आया था. मैं जब पहली बार बॉम्बे आया था तो सबसे पहले बालाजी के गेट के बाहर ही खड़ा हुआ था कि किसी तरह ऑडिशन अंदर हो, या पता नहीं कैसे कैसे काम मिलता है मालूम नहीं था. तो फिर थोड़े से ऑडिशंस हुए बट कुछ हुआ नहीं. तो 12 साल के बाद जब मौका मिला ऐसा कि बालाजी में मेन लीड के लिए कंसीडर किया गया, तो मैं बहुत ही खुश था, बहुत ही हैप्पी था. तो सोचा नहीं मैंने, ग्रैब कर लिया. और मेन लीड ही होता है. किरदार मैंने बहुत सारे निभाए, हर किरदार बहुत ही अच्छा था अपने आप में. विद ड्यू रिस्पेक्ट सब किरदार को मैंने दिल से और शिद्दत से निभाया है, और सब में मुझे, सब किरदारों में लोगों ने मुझे बहुत सराहा है, बहुत प्यार दिया है, बहुत बहुत अच्छा लगा सबको. तो मैं बहुत ही अपने आप को लकी मानता हूँ दैट बहुत सारा प्यार मुझे मिला हर एक किरदार के लिए. सो और यही चीज़ अभी रवि के साथ भी हो रही है, तो पीपल आर लाइकिंग रवि एंड लविंग रवि. सो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे बालाजी ने मौका दिया अपने आप को प्रूव करने का वापस से, क्योंकि जब आप रोमांटिक रोमांस करते हो तो एक डिफरेंस ऑफ, आप हर चीज़ आसान है, मुझे लगता है रोमांस करना बहुत मुश्किल है. सो इसीलिए शाहरुख खान जो हमारी फिल्म बॉलीवुड इंडस्ट्री के किंग है, बादशाह किंग है, रोमांस किंग है, इसीलिए वो इतना अच्छा आराम से कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है रोमांस करना. सी अकबर, अगर हम अकबर की बात करें तो वो एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, एक इतिहास था. और मेरे लिए और किसी के लिए भी, मतलब कोई भी हो, तो एक इमेजिनेशन है कि अकबर ऐसा था या ऐसा हो सकता था. तो जब हो सकता था वाली बात आती है तो आप अपने एक थॉट प्रोसेस के हिसाब से आप उस पर काम करते हैं. तो अकबर वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट या बिकॉज रीज़न, एक तो उर्दू और डिक्शन में बहुत ज़्यादा, देन वो ठहराव, जब आप बात करते हैं तो आपकी ज़ुबान में वो ठहराव होना चाहिए, वो अथॉरिटी वाली चीज़ आनी चाहिए. तो वो था. और साथ में जब मैं ये कर रहा था रवि, चार महीने मैंने एक साथ किया है, तो बहुत डिफ़िकल्टी हुई जब मैं अकबर करके आता था. तो यहाँ पर आके अकबर का पेस, यू नो इट्स लाइक या अपनी ज़ुबान को संभाल के बात कीजिए, तो यहाँ पर आकर अपनी ज़ुबान को संभाल कर रखता हूँ, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, यू नो. सो द पेस एंड द ठहराव एंड द इंटेंसिटी इज़ वेरी हाई अकबर के, जो अकबर मैंने प्ले किया है. इसमें भी इंटेंसिटी हाई है बट वो आज के दौर के हिसाब से अगर हम बात करें, जो आज की दुनिया है, तो उसके हिसाब से तो डिफ़िकल्टी होती थी. बट बाबा जी बैठे हैं सर पे, उन्होंने करवा दिया मुझसे. मेरे आई बिलीव इन साईं बाबा जी,
ही वॉज द वन, उन्होंने करवा दिया और मैंने कर लिया। मन में रहता है एक तो पहला शो था बालाजी के साथ, एकता मैम के साथ, एकता मैम ने मुझे मौका दिया, तो मन से यही दुआ कर रहा था कि बाबा जी को यही प्रे कर रहा था कि किसी तरह वो कि इसको एक्सेप्टेंस जो है उसको ऑडियंस के थ्रू मुझे मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे किरदार निभाए थे और तो लकीली सी इट वर्क। आई साईं, आई बिलीव इन साईं बाबा, तो मेरे लिए साईं बाबा अब तक जो भी मुझे मिला है उन्हीं की वजह से मिला है, सो मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ हमेशा, और चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो ही इज़ द वन। सो आज अगर मुझे ये शो भी मिला है तो भी साईं की कृपा से मिला है, ही वॉज द वन, सो आई एम फील वेरी फॉर्चुनेट एंड वेरी लकी, दैट्स इट। Well, we just have to say all the best, Krip, for this ongoing venture of yours. Upasna Patel, cameraman Babaji, India Forums, Mumbai. Hi, this is Aparna Dikshit. Keep watching India Forums and subscribe to WhatsApp TV.